गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गाइज आज है मंडे, तो आज देखिए मौसम कितना अच्छा है। देखिए गाइज बहुत दिनों के बाद धूप लग गई है, पूरे एक हफ्ते के बाद। देखिए कितना अच्छा हो गया आज मौसम। घास भी सारा यहाँ आंगन में खुला करके रख दिया है। इन दोनों को बस यही खेलने का ही काम होता है। गाइज आज मौसम इतना सुंदर इसलिए लग रहा है क्योंकि आज पूरे एक हफ्ते के बाद धूप निकल गई है। पूरा एक हफ्ता बारिश का ही मौसम था, बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे बारिश से, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है धूप देख के। आप भी बताना आपको कैसा लग रहा है। सो गाइज अभी जा रही हूँ मैं कुल्लू, तो भैया के साथ जा रही हूँ मैं कुल्लू। आज मुझे लिफ्ट मिल रही है कुल्लू जाने के लिए। A few moments later. Hello guys, good afternoon. तो अभी बज रहा है दोपहर के दो, तो अभी आए हम यहाँ पे देव सदन कुल्लू। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसा प्रोग्राम है और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये है यहाँ पे गाइस देव सदन, यहाँ आए हम प्रोग्राम देखने के लिए। ये येलो बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है गाइस, यहाँ इस देव सदन में एंट्री करते ही आपको कई चीज़ें दिखाई देगी। चलो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से जाएंगे हम, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है यहाँ पे लगा हुआ। Oh,
ऐसा भी किया जा सकता है।
सविता बोल भी हुआ है कुछ नाम तो उसका वंदना नाम क्या था वंशिका नाम था देव वंशिका आई एम राइट तुम्हारे ठीक है देव वंशिका था उस लड़की का नाम जो कविता बोल भी बात तो अखन गोणा नोसना बड़ा मुश्किल से नाचना तो मुझे भी था बाजा भी बज रहा है तुम घने से उठ नोसना के वो दुआ मामा मेरी आमा पर बांटे थे नहीं देखने वाले औसने रहती 25 नंबर रखे थे उसमें लिखा था फेशियल एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो नाचने वाले हैं तिनेरे दोन देरे दोन दा खोलने रहती 25 नंबर और कुछ स्टूडेंट्स भी थे मैं पति को किसी का नाम नहीं लूंगा कई लोग तो हम दौरे और एक तो गर्ल्स बहुत अच्छी थी जो कारण कहीं कॉम्पिटिशन में स्टैंड कर रही है लास्ट के नाटी में नाचने वाली लड़की थी बहुत अच्छी उसकी मुस्कुराहट जानता है और ये सब प्रक्रिया है तो इन तीनों चीजों के बीच में जो आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन करते हैं रिजल्ट में बोला गए पर दिन आपको उस भी शुरू ज्यादा ना वो पूरा दिन अभी आपका तीन रिजल्ट आए हैं पोएट्री के रिजल्ट आए हैं रिजल्ट में ऐसा होता है कई बार जैसे होते हैं ना कि जैसे बॉटम से रिजल्ट तीसरे नंबर पर उसके ऊपर को उठाते हैं नंबर तीसरे मैं भी जीतता हूँ जब मैं दौड़ता हूँ तो हमेशा ही फर्स्ट आता हूँ पर तब ध्यान रखना जब मैं अकेला दौड़ता हूँ जब दो दौड़े तो हम सेकेंड आते हैं तीन दौड़ते हैं तो थर्ड आते हैं जब बहुत सारे होते तब मैं कुछ नहीं आता है और उसकी खुशी उसका उल्लास क्षणिक होता है थोड़ी देर के लिए हम फर्स्ट आते हैं और ध्यान रखना एक अंग्रेजी का अंग्रेजी में दसा मैं हिंदी पढ़ाता हूँ हिंदी पढ़ाया हूँ हिंदी हिंदी की खाता हूँ उसने लिखा है कि इट इज इजी टू गेट फर्स्ट पोजीशन बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन एज ए फर्स्ट पहला आना बड़ा आसान है एक बार फर्स्ट आए पर पहली जगह पर बने रहना लोगों से देखें और कॉम्पिटिशन करते दुनिया हिलाई शाम को जल जाना हुआ आपको मालूम होगा नहीं है पता करें उस दिन खुदून जब तक ही होगी ना सारे बैठ चुके हैं यहाँ पर अभी डिस्कस हो रही है अभी डिस्कस हो रहा है कि रिजल्ट के बारे में किसको कौन सा प्राइज मिलेगा पेंटिंग कंपटीशन में द्वितीय स्थान जतिन ने की पेंटिंग कंपटीशन में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रथम स्थान प्राप्त किया एनी गेस शेखर आजाद नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आप सभी को सामने शेखर आजाद हमें पूर्ण प्रोस होगा उसके बाद जो सबसे कठिन जो आज की प्रतियोगिता थी जिसमें शायद सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट थे वो थी भाषण प्रतियोगिता जिसमें कुल 22 प्रतिभागियों ने अपना जो मजा आ गया कुछ उम्मीद नहीं थी फर्स्ट आते हमने थोड़ा उसके बाद भाषण प्रतियोगिता योगिता और इसी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नमन कालरा नमन कालरा सो गाइस अभी आ गए हम अंदर से प्रोग्राम देखने 2 hours later हेलो गाइस तो अभी आए हैं यहां पे पार्टी करने अगर हम छोटे से जाके हम बचपन से मैंने देखी हुई खुशी में बीच में अब वहां तो वहां पे ट्रॉफी दी गई उसके बाद पैसे भी दिए गए खाने आए हैं यहां पे ट्रॉफी दी गई ट्रॉफी दी गई सर और इधर आए या की मदद से और लेकिन A few moments later. Hey guys, तो अभी आ गए हम घर को वापस कुल्लू से तो हमने आज वहाँ पे कुल्लू में प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया आई होप आपने भी इस वीडियो को देख के बहुत इन्जॉय किया होगा
आज के ब्लॉग का एंड हम यहीं पे कर रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।